नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बड़ी मियाँ छोटी मियाँ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। काफी मतलब बड़ा बजट है फिल्म का, 350 करोड़ फिल्म का बजट है, और ये बजट कवर करना असंभव है। ये तो मैं अभी आपको बता दूँ, क्योंकि 1650 करोड़ के करीब इसका फर्स्ट डे रहा है, 15.62 करोड़ का फर्स्ट डे रहा है, जो वैसे देखने में ठीक जरूर लग रहा है नंबर, लेकिन जब आपकी फिल्म का बजट 350 करोड़ हो तो फिर दोस्तों आप जानते हैं कि ये नंबर बहुत कम है। कम से कम 50 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग होनी चाहिए थी, तो वो बात नहीं है। अच्छे रिव्यूज फिल्म को मिले भी है, और कई लोगों ने बहुत रोस्टेड रिव्यू भी दिए, कई लोगों को तो बिल्कुल ही बेकार लगी है, 1 स्टार 0.5 स्टार ऐसी रेटिंग भी मिली है। और मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े, कल इसके देखे, और मैंने भी फिल्म देख के आपको रिव्यू दिया था। कई लोगों को पसंद भी आई, ऐसी बात नहीं, मुझे फिल्म ठीक लगी, एंटरटेनिंग मूवी है। आप अब सबकी पसंद अलग होती है, कई लोगों ने सवाल भी उठाए कि फिल्म अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, सबकी अलग अलग पसंद है। बहुत सारे क्रिटिक्स को अच्छी लगी है फिल्म, आप देखना, मैंने देखे बहुत सारे रिव्यूज, मैं आपके लिए पोस्टर भी लेके आया हूँ। कई ने 4 स्टार भी रेटिंग दी है, कई ने कहा कि आपने कैसे 4 स्टार रेटिंग दे दी, तो बहुत से ने दी है 4 स्टार रेटिंग, जिसमें बहुत सारे नाम है, आप देखिएगा, बहुत बड़े बड़े चैनल्स है जिनका मतलब बड़े बड़े क्रिटिक्स है, उन्होंने भी दी है, और कई ने 1 स्टार 0.5 स्टार भी दिया है। सबकी अलग अलग पसंद है दोस्तों, पसंद पे सवाल नहीं उठा सकते आप। और आप क्रिटिक्स का अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका, और कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे रिव्यूज मिलने के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाती है, और कई बार बहुत बुरे रिव्यूज मिलने के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्लिक कर जाती है, चल जाती है। तो पब्लिक सबसे बड़ी क्रिटिक्स होती है, पब्लिक का जो एक रवैया होता है फिल्म को देखने का, वो अलग होता है। तो पहले दिन का कलेक्शन 15.62 करोड़ बिल्कुल ही मतलब एक निराशाजनक रहा है, क्योंकि अगर फिल्म का बजट 100-150 करोड़, 150 करोड़ होता तो ये मानते कि चलो ये कलेक्शन अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा बजट है तो फिर दोस्तों क्या कहें इसके बारे में। 200 करोड़ तो अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और अली अब्बास जफर, इन सबकी फीस वगैरह ही हो जाती है। फिर 120 करोड़ कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो पैसा पानी की तरफ आया गया, लेकिन थोड़ा कंटेंट पे मेहनत कर लेते, जैसा कि अन्य क्रिटिक्स का कहना है कि अगर अच्छा कंटेंट देते। खैर जो भी है, अब ज़्यादा कमियां ढूंढने से फ़ायदा नहीं है, किसी को अच्छी लगी है किसी को नहीं लगी है, और फिल्म का प्रदर्शन खराब रहा है ये मानना पड़ेगा। और जहाँ तक आज की बात करें, आज फिल्म के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि करीब 1300 से ज़्यादा शो कम हुई है फिल्म की आज, और आपको बता दूं कि करीब 1.75 करोड़ की एडवांस बुकिंग है। पहले दिन 4.85 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी, आज 1.75 करोड़ की मात्र एडवांस बुकिंग है, तो आज फिल्म सिंगल डिजिट भी जा सकती है। मुझे लगता है कि 10 करोड़ चली जाए तो बड़ी बात होगी, 9 करोड़ के आसपास भी फिल्म आज रुक सकती है, और अगर ज़्यादा थोड़ा जंप लेगी फिल्म तो 10 करोड़ 11 करोड़ इसी रेंज में कलेक्शन आने वाला है। 5 करोड़ के आसपास ओवरसीज से फिल्म का कलेक्शन आया है, तो टोटल मिलाकर कहीं ना कहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग दोस्तों 24 करोड़ 25 करोड़ के आसपास पहले दिन का रहने वाला है, जो काफ़ी निराशाजनक है। अली अब्बास जफर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, और वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्में बनाई है, लेकिन ये फिल्म नहीं चली है उनकी। और अक्षय कुमार के लिए भी बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है एक के बाद एक, और ये भी एक बड़ी फ्लॉप होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, फ्लॉप तो होनी है, कितनी बड़ी फ्लॉप होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 350 करोड़ असंभव वहाँ तक जाना, 100 करोड़ भी अगर फिल्म करती है तो बहुत बड़ी बात होगी मुझे अब ये लग रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे को जरूर फिल्म थोड़ा ग्रो करेगी, लेकिन बाकी फिर मंडे से फिर फिल्म का हाल फिर से खराब होने वाला है। तो 100 करोड़ भी फिल्म करती है, अपना बजट का आधा हिस्सा भी कवर करती है लाइफ टाइम कलेक्शन में, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और एक बड़ा झटका, एक बड़ी फ्लॉप फिल्म अक्षय कुमार के लिए फिर से है। टाइगर श्रॉफ का तो करियर ही शायद समाप्त हो जाए, करियर पे पर्सन चेंज लगेगा इस फिल्म के बाद में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डिजास्टर फिल्में उन्होंने दी है, और शायद ये फिल्म उसी कड़ी को आगे बढ़ाती है। तो सोचना होगा अक्षय कुमार को क्या करना, उनको लोगों को लगातार उनकी फिल्मों को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।